ये केस में बेटा आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है एंड आपको फाइंड करना है कि वेलोसिटी कितनी होगी, कब, जब एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो पहले ये चेक करो ना एक्सेलरेशन कब जीरो होता है। तो पहले मैं एक बार डिफरेंशिएशन ले रहा हूं, बताओ 3t² माइनस 12t प्लस 3 बराबर। एक और बार डिफरेंशिएशन ले लो 60 माइनस 12। आपको ये देखना पड़ेगा एक्सेलरेशन जीरो कब हो रहा है। तो एक्सेलरेशन जीरो पुट कर दिया तो 60 इज इक्वल टू 12, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो यही टाइम पे आपको फाइंड करनी है वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी की फॉर्मूला में 2 पुट कर दो तो 3 इंटू 2 स्क्वायर 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, 12 माइनस 24 प्लस 3 माइनस 9 मीटर पर सेकेंड बराबर। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तब वेलोसिटी माइनस 9 मीटर पर सेकेंड होगी।